दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले से, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। आज ये RIR चूज़ों का 27वां दिन है। 24, 25 और 26 ये तीन दिनों में जो हमें तकलीफ़ हुई थी कि ये एक दूसरे को घायल करना चालू कर दिए थे, उसका कारण हमने ये समझा था कि ये जो है ये है 17 और ऐसा है ये 25 और ऊपर। ये देखेंगे आपके ये फाइबर की सीटें डली हुई हैं, तो इससे नीचे धूप डायरेक्ट आती थी, इस कारण गर्मी के कारण भी एक दूसरे को घायल करते हैं या फिर ये स्पेस के कारण कर सकते हैं। उसके बाद हमने 26वें दिन में क्या किया था, जब कंडीशन इनकी देखा तो हमने ये स्पेस बढ़ा दिया था, जो अब हम बाहर जा रहे हैं ये स्पेस जो है ये 17x60 है, तो ऐसा 17 है और ऐसा 60 है, तो इसमें जब हमने खोल दिया है तो जो घायल करने वाली जो तकलीफ़ थी वो पूरी तरह से अब ख़त्म हो गई है। अब ये यहाँ से वहाँ तक दौड़ने लगे हैं और अब इनको इतना खुला स्पेस मिल गया है, ये तो 1000 के लिए भी था, 1000 भी कर सकते थे। कुछ बच्चे यहाँ ऊपर जो हमारा चने का भूसा रखा है नीचे बिछाने के लिए, इस पर चढ़ गए हैं और यहाँ से वहाँ तक ये 60 फिट में दौड़ लगाते हैं, तो हमारी ये तकलीफ़ ख़त्म हो गई है। अच्छा, डायरेक्ट यहाँ धूप इसलिए नहीं आ रही कि इसमें कोई फाइबर वाली सीट नहीं लगी है, और अगर ज़्यादा गर्मी लगती तो हमने वहाँ से यहाँ तक 4 पंखे लगा के रखे हैं, तो हम इन पंखों को चालू कर देंगे। और यहाँ से ये पूरा खुला हुआ है तो इनको ठंडी हवा लगते रहती है, तो गर्म भी नहीं होता है फार्म, तो गर्मी और स्पेस दो चीज़ों के कारण हमने ये समझा था कि ये एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। तो बात कर लेते हैं, पानी में चल रहा है सादा पानी, क्योंकि हमने 3 दिन ऑस्टोवेट दे दिया है, और दाने में चल रहा है स्टार्टर, और मॉर्टलिटी आज एक भी नहीं हुई है। तो आगे और सबसे बड़ी जो दिक्कत हमें सामने दिख रही थी वो ये थी कि ये चोच मार के घायल करना चालू कर दिए थे, तो अभी ये शिकायत आज ख़त्म हो गई है। देखते हैं आगे शायद फिर से दो बार ये स्थिति बने, मगर फिलहाल आज तो ऐसा किसी बच्चे में नहीं दिख रहा है। और आज मैं हरी पत्ती खिलाने का वीडियो नहीं बना पाया, ये पहले ही इन्होंने जो हमारा फार्म संभालते हैं उन्होंने खिला दिया था, क्योंकि आज शुक्रवार था तो मैं 2 बजे के बाद फार्म आता हूँ, और आज त्यौहार भी था जश्न ईद मीलादुन्नबी, तो इस कारण मैं सुबह के समय में नहीं आ पाया, मगर कल कोशिश करूंगा कि मैं आपको हरी पत्ती का लाइव वीडियो दिखा सकूं। और कल हरी पत्ती में हम इनको पपीते की पत्ती और मुनगा की पत्ती ड्रम स्टिक की और केले की पत्ती, दोनों पत्तियां खिलाएं, ये तीनों पत्तियां एक साथ कट करके मिश्रण बना के देंगे, तो देखते हैं कि ये कितने शौक से खाते हैं, खाते भी हैं क्या नहीं, ये कल के वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, नमस्कार।